दमोह के मुर्शिद बाबा शाहीन बाग में महिलाएं 53 दिनों से धरने पर बैठी है, CAA NRC के खिलाफ और अपनी आवाज बुलंद कर रही है। महिलाओं का कहना है कि केंद्र सरकार बेटियों की बात तो करती है, लेकिन उसे ना तो महिलाओं की चिंता है और ना बेटियों की परवाह। हम NRC CAA किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। भारतीय न्यूज के लिए इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, वो जली है कुछ बसें कुछ गाड़ियाँ, जली है कुछ बसें कुछ गाड़ियाँ, आई कर में इनका योगदान थोड़ी है। लगेगी आप ठेकू का पैसा, लगेगी आप ठेकू का पैसा आम जन का, लगेगी आप ठेकू का पैसा आम जन का। दंगियाइयों के अब्बा का दुकान थोड़ी है, इनके आका कहीं साहेब, इनके आका कहीं साहेब। दमोह के मुर्शिद बाबा मैदान शाहीन बाग में NRC नहीं चले के नारे बुलंद हो रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर वो सब तमाम महिलाएं हैं, यहाँ पर CAA और NRC के खिलाफ बराबर विरोध करती आ रही हैं। ये पूरी की पूरी महिलाएं बीते कई दिनों से यहाँ पर बैठी हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि अभी हमने आप सुना है कि NRC और CAA नहीं चलेगा, कितने दिन हो गए आप लोगों को विरोध करते हुए? आज हम लोगों को 52 दिन हो गया है विरोध करते हुए, और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही, लेकिन एक उम्मीद है कि करेगी सरकार, क्योंकि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, तो सुनना पड़ेगा। संविधान को यूं ही कोई तहस नहस नहीं कर सकता, क्योंकि हर देश एक संविधान से चलता है और उसको मानते हैं सारा देश, तो सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। और ये NRC ये लेके आए हैं, और NPR, ये सबको मालूम है कि आप NRC करवाएंगे, और NRC का विरोध हुआ तो आप NPR लेके आ गए हैं, ये उसी का एक छोटा रूप है कि जो आप NPR करो, लेकिन हम इसका भी बहिष्कार करते हैं। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, हम मैं आपसे जानना चाहूँगा, बीते कई दिनों से आप यहाँ पर धरने पर हैं, और दमोह के शाहीन बाग से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक सरकार तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, क्या वजह मानते हैं? सरकार जानबूझ के सुनना नहीं चाहती, और हमें उम्मीद है कि वो सुनेगी ज़रूर, क्योंकि एक ना एक दिन तो आएगा, क्योंकि आपकी आधी आबादी है, हम लोग हिस्सेदारी हमारी आधी है दुनिया में महिलाओं की। कब तक आप कान में तेल डालकर बैठेंगे? ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि आपको सुनना ही पड़ेगा। कितने दिन हो गए अभी आपको? 52 दिन हो चुके हैं, और ये सरकार जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेती, हम लोग आएंगे, बैठेंगे और इनका विरोध जारी रखेंगे, क्योंकि सुना है कि 1 तारीख से NPR लागू कर रहे हैं, तो NPR भी तो वही है, NPR धीरे से CAA और NRC को लागू कर देंगे आप, तो हम लोग सब इसका विरोध करते हैं, NPR भी नहीं लाने देंगे, इसलिए हम बैठे हैं। हम सब विरोध करते हैं। हम आपसे मुख्तसर में 2 लाइनों में चाहूँगा जवाब, सरकार के लिए क्या कहेंगे आप? मिट जाएंगे मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे, मिट जाएंगे मर जाएंगे, मत समझो कि डर जाएंगे, तुम गोली तोप चलाओगे, हम चीखेंगे चिल्लाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे, पर कागज नहीं दिखाएंगे। तो सुना आपने, आप कुछ भी कर लो, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये कहना है इन महिलाओं का। इससे साफ जाहिर होता है कि CAA और NRC के खिलाफ ये तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, और ये वो महिलाएं हैं जो घर की चार दीवारी से बाहर आई हैं और सरकार के खिलाफ यहाँ बैठकर हल्ला बोल रही हैं। इम्तियाज़।